मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में आप सबका दिली इस्तबाल है आज हम उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की शख्सियत और उनकी शायरी के चंद जावियों पर इजहार ख्याल करेंगे गालिब का शुमार न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि आलमी सतह परी ज़बानों के जो अजीम शुरा गुजरे हैं उनमें होता है गालिब सत्ताईस दिसंबर सत्रह सौ ईस्वी में आगरे में पैदा हुए बचपन ही में उनके वालिद अब्दुल्ला बेग का इंतकाल हो गया था उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में लिया लेकिन बदकिस्मती से गालिब जब आठ साल के थे तो उनके चचा का भी इंतकाल हो गया फिर गालिब अपने ननियाल के जेरपरविश आ गए वहाँ उनकी परवरिश बड़े ही नाजो न्याम के साथ हुई बचपन में उन्हें अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने का मौक़ा मिला गालिब को फ़ारसी ज़बान से ख़ास शगफ़ था उन्होंने बचपन ही से फ़ारसी पर तोज़ो दी और इस ज़बान में कमाल हासिल किया गालिब जब तेरह साल के थे तो उनकी शादी दिल्ली के इलाही बख्श ख मारूफ़ की साहेबज़ादी उमराव बेगम से हुई और वो दिल्ली चली आ चले आए फिर उसके बाद कुछ अरसे तक उनका आना जाना दिल्ली और आगरा रहा लेकिन कुछ अरसा बाद वो मुस्तकिलन दिल्ली मुंतकिल हो गए गालिब उर्दू ज़बान के ऐसे शायर हैं जिन पर उर्दू ज़बान हमेशा फ़ख्र करेगी इसलिए कि गालिब ने उर्दू शायरी को फ़िक्र और फ़न के अतबार से नई बुलंदियों से रोशनास किया। गालिब ने उर्दू शायरी में बुलंद फिक्री नज़ाकत ख़याल और लताफ़त बयान के ऐसे नमूने पेश किए जो उर्दू शायरी की तारीख़ में हमें नहीं मिलते हैं गालिब बाएक वक्त फ़लसफ़ी भी थे लेकिन इन मानों में फलसफी नहीं थे कि उन्होंने कायनात के बारे में या ज़िंदगी के बारे में कोई बाकायदा फलसफ़ा पेश किया हो लेकिन उनकी शायरी में हमें ऐसे ख़यालात मिलते हैं जो उनकी गहरी सोच और फ़िक्र का पता देते हैं कि वो ज़िंदगी को किस ज़ाविए से देखते थे दुनिया को किस जाविए से समझने की कोशिश करते थे या कायनात के बारे में ज़िंदगी के बारे में उनका क्या तस्वुर था हयात ज़ान और मकान के बारे में उनके क्या तस्वूर थे ये ऐसे मौजूद हैं जिन पर उन्होंने गहराई से गौर किया और अपनी शायरी में इनके मतलक इजहार ख़्याल किया तो इस तरह उनकी फलसफियाना सोच हमें उनकी शायरी में नज़र आती है इसलिए हम कहते हैं कि वो एक मुफ़िर शायर थे फ़लसफ़ी शायर थे इसी तरह अमला अगरचे के गालिब सूफ़ी नहीं थे लेकिन उनकी शायरी में हमको सूफिया ख़यालताना मजामी और सूफी मौजूद पर बहुत से अशार मिलते हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि तस्वफ़ से गालिब को ख़ास दिलचस्पी थी खूस तफ़ में वहदतुलवाजूद का जो फ़लसफ़ा है उस फलसफ़े में वो बड़ी दिलचस्पी लेते थे इस फलसफ़े से उन्हें गहरी रगबत थी चुनाचे उन्होंने अपनी शायरी में बेशुमार अशार में फलसफे वहदतुल वजूद को और इस फलसफ़े के मख्तल जावियों को नहाय ही मानख और लुफानंदाज़ में पेश करने की कोशिश की है इसके अलावा गज़ल के हवाले से अगर देखा जाए तो गालिब बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे अगरचे उन्होंने खसीदे में भी तबाह आजमाई की रुबायात भी लिखीं लेकिन बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर थे और उर्दू ग़ज़ल को उन्होंने एक नई ज़हद दी एक नई सिमत दी और एक नए मैार से हमकनार किया तो गालिब की शायरी में गजल के जो रवायती मजामी हैं जिनका ताल्लुक वारदात इश्क से है जिनका तल्ल हुसन की जमाल आफरीनी से है जिनका तल्ल दर्द इश्त से है हजर के कर्ब से है फिरा और जुदाई के रंज और गम से है ये तमाम मौजुआत जो इश्किया शायरी के रिवायती मौजुआत रहे हैं ये मौजुआत भी हमको गालिब के गज़ल में मिलते हैं लेकिन गालिब का कमाल ये है कि उन्होंने इन मौजुआत को रिवायती अंदाज़ में नहीं बांधा बल्कि उन्होंने अपने इजहार में अपने उसलूब में एक जिद्दत पैदा की पामाल मौजुआत को और बढ़ती हुई रविशों को इस्तेमाल करने के कायल नहीं थे वो जिद्दत पसंद थे और हर बात में एक नयापन और जिद्दत तलाश किया करते थे चुनानचे उन्होंने गज़ल के जो मज़ामीन हैं उन मज़ामीन को अगरचे के वो रिवायती थे लेकिन अपने अंदाज में इस तरह पेश किया कि वो एक तरह से नए अंदाज के साथ नई मानवियत के साथ और इजहार और उसलूब के नए हुसन के साथ हमारे सामने आते हैं इस तरह गालिब ने ग़ज़ल में अपने लिए एक नई राह तलाश की तो गालिब ग़ज़ल के अज़ीम शायर हैं और अगर फिक्र और फ़लसफ़े की गहराई और दीगर मसाइल के हवाले से अगर गौर करें हम तो अंदाज़ा होता है कि उर्दू ज़बान का शायद ही कोई शायर है जो फ़िक्र की बुलंदी में तखैल की परवाज़ में माना आफरीनी में ख़्यालबंदी में गालिब की बराबरी कर सकता है अब रहे गालिब के मासरीन तो गालिब का कमाल यह है कि उनके ज़माने में बहुत सारे बाकमाल शोरा शुरा दिल्ली में मौजूद थे दिल्ली गालिब के ज़माने की दिली उर्दू शायरी का मरकज़ थी उर्दू श अदब का मरकज़ थी बड़े बड़े अहले कमाल दिल्ली में जमा थे बहादुर शाह फफ़र मुगल बादशाह थे उनके दरबार में बड़े बड़े शायर और बाकमाल मौजूद थे बहादुर शाह फफ़र के उस्ताद शेख इब्राहिम जौख जबान के शायर थे महावरे के शायर थे ज़बान और महावरे के इस्तेमाल पर उन्हें बड़ा अबूर हासिल था गालिब के एक और महासिर थे मिर्ज़ा मोमिन खां मोमिन उनके यहाँ भी हमको ग़ज़ल का एक ख़ास अंदाज़ नज़र आता है वो गज़ल के अशार को इस अंदाज़ से बयान करते हैं कि बाज़ अवत ऐसा महसूस होता है कि शायर अपनी मतलब बरारी के लिए महबूब से कुछ ख़ास बात कर रहा है जो बज़ाहिर महबूब के फ़ायदे की होती है लेकिन फिल असल शायर का फ़ायदा होता है इसको असिलान मकर शायराना कहते हैं तो गालिब के जो मासिर मोमिन थे वो इस फन के बड़े माहिर थे फिर इनके अलावा खुद बहादुर शाह फ़र बड़े उस्ताद थे उनके दीवान मौजूद हैं गजलियात के और इनके अलावा फारसी ज़बान के बड़े बड़े शायर और गालिब के दौर में मौजूद थे मौलाना फजल खैराबादी थे मौलाना सदरुद्दीन आज़र्दा थे नवाब मुस्फ़ी शेफ्ता थे मौलाना इमाम बख्श साहबाई थे ये सारे लोग अपने वक्त के बड़े बा कमाल थे अरबी फ़ारसी उर्दू ये सारी ज़बानों पर उनको बड़ा अबर हासिल था और इसके साथ ही साथ मुख्तफ में भी महारत रखते थे गालिब के इन सब से दोस्ताना तल्लत थे और फिर गालिब के जो कम उम्र मास में हाली भी थे और दाग भी थे हाल ही तो एक तरह से गालिब के शागिर्द थे और दाग भी उनके हम असर के शागिरद थे इनके साथ साथ गालिब के हालात ज़िंदगी पर अगर हम गौर करें तो गालिब की सीरत और शख्सियत में एक ख़ास बात नज़र आती है वो ये है कि वो वजूदी फ़िक्र के हामिल होने के नाते मनोतू के इम्तियाज़ से खाली थे उनके अंदर बिला लिहाज मजहब मिलत हर फ़र्द के लिए हर कौम के लिए मोहब्बत मुरवत और दोस्ती का जज्बा पाया जाता है चुनाच हम देखते हैं कि उनके शागिर्दों की फहरिस्त में जहाँ मीर मेहदी मजरू हैं वहीं पर मुंशी हरगोपाल तफ्ता भी हैं शिव नारायण भी हैं प्यारे लाल आशब भी हैं तो गैर मुस्लिमों से उनके बड़े गहरे दोस्ताना तल्लक़ा थे उनके शागिदों में गैर मुस्लिम भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे तो गालिब की शख्सियत का एक पहलू ये है कि उनके अंदर हमको एक तरह से एक जहती कौमी जहती का नज़र आता है उनके यहाँ मजहब और मिलत का कोई तफरखा नहीं था वो मजहब और मिलत के जाविये से किसी को देखते नहीं थे बल्कि तमाम लोग उनकी नज़र में मसावी थे तमाम शागिर्द उनकी नज़र में मसावी थे ख़ा वो हिंदू हो या मुसलमान हो चुनाच वो आ, अपने शागिर्दों में हरगोपाल तफ्ता को नहायत अजीज़ रखते थे इतना अजीज़ रखते थे कि उन्होंने अपने नाम का जो जज़ था मिर्जा तो हरगोपाल तफ्ता को मिर्ज़ा कहकर पुकारते थे गोया कि अपना नाम उन्होंने अपने एक हिंदू शागिर्द को दे दिया था तो ये खलबी ये वसीूल ख़्याली ये वसी मशरबी गालिब की सीरत और शख्सियत का ख़ास पहलू रहा जो न सिर्फ़ उनके अमल में नज़र आता है बल्कि उनकी शायरी का भी अगर हम मताल करते हैं तो उसमें उस हमको एक आफाखियत नज़र आती है जिसमें सारी दुनिया के इंसानों के लिए सारी दुनिया के अहल फ़िक्र के लिए सारी दुनिया के नज़र रखने वाले अफ़राद के लिए एक ख़ास पैगाम नज़र आता है और वो पैगाम है इंसानियत का वो पैगाम है मोहब्बत का वो इंसान है वो पैगाम है बराबरी और मसावत का तो गालिब इन मानों में अज़ीम शायर हैं कि वो इंसान को इस कायन की एक इकाई के तौर पर देखते हैं और ये समझते हैं कि सारी दुनिया के इंसान एक हैं उनके मसाइल एक हैं उनके दुख दर्द एक हैं उनके जज्बात एक हैं और उसी इंसान को सामने रख कर उन्होंने शायरी की और अपनी ज़ात के हवाले से इस कायन को समझने और एक आम इंसान के हवाले से दुख दर्द को महसूस करने ज़िंदगी को समझने और हयात की रंगीनियों को और ज़िंदगी के तजुर्बा को अंगेज़ करने बर्दाश्त करने और उनको फिर फ़नी से शायरी में ढालने की कोशिश की गालिब अपने अहद की आवाज़ थी गालिब के अहद को हम देखते हैं तो पता चलता है कि उनके सामने एक लुटा हुआ कारवान है एक उजड़ती हुई बिसात है मग़ल कमजोर है अंग्रेज़ हुक्मरान अपनी साजिशों के ज़रिए सारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और मगल बादशाह उनके आगे बेबस है मजबूर है कुछ नहीं कर सकता है तो एक मिटती हुई तहजीब एक लुटते हुए कारवान एक बिगड़ती हुई बिसात गालिब की नज़रों के सामने थी और ये जो क्रब है यह जो दुख है यह जो मलाल है अपनी तहजीब के मिटने का अपनी कौम के जवाल का वो एक ज़ेरी लहरों की तरह हमको गालिब के अशार में नज़र आता है और गालिब की तखलीकी फ़िक्र में ये गम यह महरूमी ये अलमिया हमको एक बहुत ही तवाना और ताकतवर अनसर की तरह नज़र आता है कि गालिब की शायरी ज़िंदगी के इस तजर्बे को भी आम हिंदुस्तानी के इस तजर्बे को भी पूरी कामयाबी के साथ अशार में पेश कर सकती है शायरी से हटकर, जब हम नसरी अदब के हवाले से गालिब की तख्लीक़ात पर गौर करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि उन्होंने जहाँ उर्दू में शायरी की वहाँ फ़ारसी में भी शायरी की और जहाँ फ़ारसी में नसर लिखी वहाँ उर्दू में भी उन्होंने नसर लिखी गालिब की नसर में ख़ास तौर पर उनके खतूत हैं जो उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं अपने शागिरदों को लिखे हैं और इन खतूत की एक ख़ास बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया गालिब जिद्दत पसंदी के ख्याल थे वो जिस मैदान में भी जाते अपने लिए एक नया रास्ता निकालते वो आम रविश पर चलना पसंद नहीं करते थे आम लोगों के रास्ते पर चलना आम लोगों की पैरवी करना उनको पसंद नहीं था चुनाचे जब उन्होंने ख़तूत लिखना शुरू किए तो ख़तूत में भी उन्होंने आम डगर से हटकर अपने लिए एक नया रास्ता निकाला आम डगर ये थी कि बहुत ही अलखाब व आदाब लिखे जाते ख़तूत के अंदर और मुसज्जा व मुखफ़ा जुमले लिखने की कोशिश की जाती तो इबारत आरई तो बहुत की जाती लेकिन लिखने वाले का जो मुद्दा है जो मंशा है जो वो कहना चाहता है वो पूरी तरह उन खतूत में अदा नहीं हो सकता था गालिब ने इस रविश से हटकर नया रास्ता ये निकाला कि बहुत ही सलीस और आसान ज़बान में उन्होंने खतूत लिखे और जो पुरतकलुफ़ और लंबे लम्बे अलाब आदाब खतूत में लिखे जाते थे उन सब को उन्होंने तर्क कर दिया और बहुत ही बेतकल्फ़ी के साथ कभी नाम ले लिया और कभी किसी प्यारे लखब से अपने शागिर्द को याद किया और फिर अपने दिल का माजरा बयान करना शुरू कर दिया तो इस तरह से उनके खतूत अपनी सादगी रवानी बेतकल्फ़ी की वजह से उर्दू में सादा नसर का एक बेहतरीन नमूना बन गए हैं और सदा निगारी का एक नया अंदाज लेकर उर्दू अदब के नसर की तारीख में हमारे सामने आते हैं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उर्दू में सादा नसर का जो रिवाज है वो गालिब ही से शुरू होता है और फिर इन खतूत के मशमूलत पर गौर करें तो अंदाज़ा होता है कि इन खतूत में जहाँ गालिब ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल बयान किए हैं अपनी परेशानियों का ज़िक्र किया है अपनी बीमारी का ज़िक्र किया है अपनी अहलिया का ज़िक्र किया है वहीं पर उन्होंने अपने दोस्त अहबाब का भी जिक्र किया है अपने वक्त के हालात का जिक्र किया है और उनके दौर में जो अहम वाक़ पेश आया था जिसको तारीख़ में पहली जंग आज़ादी के नाम से याद किया जाता है जिसको ग़दर भी कहा जाता है उस गदर में हिंदुस्तानियों की नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली को जिस तरह तबाव ताराज किया जिस तरह दिल्ली के शरफ़ा को बेइज्जत किया जिस तरह दिल्ली में ख़तल आम किया उन सब के वाक़ उन सब की तरफ इशारता कनायतन गालिब ने अपने ख़तूत में ज़िक्र किया है इस तरह गालिब के खतूत महज़ निजी खतूत नहीं हैं बल्कि ये खतूत अपने वक्त की तारीख़ अपने अहद की दस्तावेज़ बन गए हैं इसलिए इन खतूत का मताल जहाँ पर ज़बान के अतबार से जहाँ पर अदब के एतबार से अहमियत का हामिल है वहीं पर तहजीबी और तारीख़ी एतबार से भी ये खतूत हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं हमको अंदाज़ा होता है कि गालिब के दौर में किस तरह के वाकयात पेश आए और क्या क्या गुजरी गालिब पर इन वाकयात के दौरान में गालिब को जहाँ अपनी शायरी की अजमत का एहसास था जैसे उन्होंने एक जगह लिखा है कि आते हैं ग़ैब से ये मजामी ख़याल में गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है यानी वो समझते थे कि उनकी शायरी एक मामूली शायरी नहीं है बल्कि वो शायरी है जो फरिश्तों के ज़रिए उनके दिमाग पर नाजिल हो रही है तो वो अपनी शायरी की अजमत का उनको इतना एहसास था ये एक अपनी जगह अहमियत का हामिल पहलू है लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक आम इंसान से भी खिताब किया है और वो कहते हैं कि रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज रंज का होगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसां हो गई इस शेर के जरिए इन्होंने इंसानियत को पैगाम दिया है एक आम आदमी को पैगाम दिया है कि मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए रंज और दुख और मुसीबत तो ज़िंदगी में आते रहते हैं इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है अगर हम इसके आदि हो जाएं तो फिर कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहेगी कोई रंज रंज नहीं रहेगा बल्कि इंसान कोशिश के जरिए से हर मुश्किल और दुश्वारी पर क़बू पा सकता है चाहे वो नसर निगारी हो चाहे शायरी हो गिब बहुत बड़े फ़नकार थे बहुत बड़े तख्लीकार थे फ़नकार और तख्ली की हैसियत से उर्दू अदब हमेशा उन पर फख्र करेगा और उर्दू अदब की तारीख में हमेशा गालिब अदब के सरखेल की हैसियत से अदब के कारमा सालार की हैसियत से याद किए जाते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही एक नए मौजू के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दें खुदा हाफ